अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स आज क्रिकेट के जो हवाले से बड़ी खबरें सामने आई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्रेंगुलर सीरीज़ के बाद एक और बड़ी टी ट्वेंटी ट्रेंगुलर सीरीज़ का प्लान बनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगी इसके हवाले से तफसीत भी आपके साथ शेयर करूँगा जबकि पाकिस्तान और भारत के प्लेयर्स पर मुश्तम एफ्रो एशिया सीरीज़ के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि रवां साल होने का इम्कान है इस पर बात करेंगे और रिजवान की लगातार दूसरी इनिंग्स में बड़ी इनिंग्स खेली है बड़ा स्कोर किया है जिसकी वजह से उनकी टीम काउंटी जो है इस मैच में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है उस पर भी बात करेंगे और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच है जो कि रीशेड्यूल किया गया उससे पहले भारत को बड़ा धचका लगा है जिनके कप्तान रोहित शर्मा लगभग आउट हो चुके हैं उनकी जगह नया कप्तान कौन होगा ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस रिपोर्ट का हम आगाज़ कर रहे हैं ट्रेंगुलर सीरीज के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा ट्राई की थी कि किसी तरह चार मुल्की टी ट्वेंटी सीरीज़ का आगाज़ किया जाए जिसमें पाकिस्तान भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हो लेकिन आई सी सी की जानब से और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से इस हवाले से ज़्यादा अच्छा या मुसबत रदल सामने नहीं आया था अलबत्त इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलवी जो क्रिकेट बोर्ड है वो राजी थे इवन के ऑस्ट्रेलिया ने यह भी ऑफर कर दी थी कि इस पहली सीरीज़ की जो कि पहली चार मल्कि सीरीज़ है इसकी मेज़बानी करने के लिए हम तैयार हैं लेकिन बाद में मामला आगे ना बढ़ सके और आई सी सी अपने तौर पर ये फैसला कर चुका है कि किसी भी ममालिक जो बोर्ड उनको तीन मुल्की से ज्यादा जो सीरीज है चाहे वनडे हो चाहे टी ट्वेंटी फार्मेट की हो वो करने की परमिशन अब नहीं दी जाएगी और जो भी तीन से ज्यादा ममालिक सीरीज या इवेंट कराना होगा वो आई सी सी खुद कराएगा ये अजारा दारी कायम की हुई है आई सी सी ने लेकिन बरहाल अब दूसरी जानब ये फैसला किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा चूंकि अब जो परमिशन है वो सिर्फ तीन की सीरीज़ है यानी कि ट्रेंगुलर सीरीज जिसे ट्राइनेशन सीरीज भी कहते हैं तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने फैसला किया है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो कि पहले ही दिलचस्पी रख रहे थे कि चार मल्की सीरीज का हिस्सा बने लेकिन अब इनके साथ मिलकर तीन मुल्की टी ट्वेंटी सीरीज का आगाज़ करने का फैसला किया जा रहा है और अगले माह बर्मिंगम में जो इजलास होना है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो बोर्ड के ममालिक हैं उनके दरमियान ये तजवीज़ रखेंगे और वैसे कहा जाए या जा रहा है कि इस हवाले से तकरीबन बातचीत हो चुकी है फिलहाल इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है वो लगभग राज़ी हैं लेकिन अगर बैरूनी मुदाखलत हो गई जैसा कि उमूा होती है तो शायद वो पीछे हट जाएँ या कोई एक मुल्क पीछे हट जाए लेकिन अगर सीरीज़ हो जाती है तो ये अच्छी बात है लेकिन दूसरी जानब यह बात भी बड़ी हैरान कन है कि रमीज़ राजा वक्त से पहले ये चीज़ सामने ले आते हैं कि ये हो रहा है जैसे कि चार मुल्क की टी टी ट्वेंटी सीरीज़ के हवाले से अभी मसौदा जो है वो पेश नहीं हुआ था और यहाँ पर डोल बजाए जाने लगे कि चार मल्कि टी ट्वेंटी सीरीज़ होने जा रही है तो अगर आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ बात चल भी रही है तो जब तक उसे हतमी शक्ल नहीं दी जाती तब तक उसका सामने आना जो है वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि फिर इसमें जो ऐसी कुवतें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान क्रिकेट को आगे नहीं देखना चाहती वो फिर सरगर्म हो जाती हैं और फिर वो सीरीज़ नहीं हो पाती जैसा कि चार मुल्की सीरीज़ या इस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ है कई बार मुलतवी हो चुकी है जहाँ अफगानिस्तान पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुंस था एक मुल्क का उसकी वजह तो से तोरहाल इस हवाले से रमीज राजा को देखना होगा कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि वक्त से पहले उनको शो नहीं करना चाहिए उससे नुकसान ही होता है लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि इन शाला पाकिस्तान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो तीन मुल्क सीरीज़ जिसका कहा जा रहा है ये हो जाएगी वैसे भी अब आगे जो टी ट्वेंटी क्रिकेट का दौर आ रहा है और जो पहले वनडे ट्रेंगुलर सीरीज़ हुआ करती थी ऑस्ट्रेलिया में एक मशहूर सीरीज़ थी ट्रेंगुलर सीरीज़ हर साल के शुरू में होती थी वो भी ख़त्म हो चुकी है तो अब ट्रेंगर से टी ट्वेंटी सीरीज़ का अब जो ट्रेंड है वो शुरू होने जा रहा है अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सीरीज़ खेलते हैं तो ये अच्छी बात है इससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ है तय हो चुकी है सात अक्टूबर से आगाज़ होगा चौदह अक्टूबर तक फाइनल खेला जाएगा और उसका पहला मैच पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी इसका शेड्यूल आप पहले ही वर्ल्ड स्पोर्ट पर मुलाहद कर चुके हैं इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी जिनके दरमियान 2012 के बाद से बाहमी सीरीज़ नहीं हुई है लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं आईसीसी इवेंट्स या फिर एशिया इवेंट्स में आमने सामने आते हैं लेकिन अब एक बार फिर उन्हें एक बार एक साथ खेलने का मौका मिल रहा है और वो एफ्रो एशिया की सूरत में है लेकिन गुज्तर रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा था कि फ़िलहाल इस हवाले से बड़ी पेशरफ नहीं हुई लेकिन दूसरी जानब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं जय शाह उनकी जानब से कहा गया कि अब सिर्फ स्टम लगाना बाकी है बाकी चीज़ें हो चुकी हैं एशिया और अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ होनी है यानी उन त, उनकी तरफ से जो ख़तरा था कि वो इसको राज़ी नहीं होंगे इस बात पर उनकी जानब से गोहेड दे दिया गया इसके बाद अब पाकिस्तान का और भारत के शायकी रवे कोहली और बाबर आजम रोहित शर्मा फ़खर जमान रिजवान इनको एक ही टीम में देख सकेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी इससे पहले 2005 में और 2007 में ऐसी सीरीज़ खेली गई थी एक बार निजमा उलक ने की की थी एशिया एवन की और एक बार महिला जय वर्धने जो कि श्रीलंका के, के भी कप्तान थे उन्होंने कप्तानी की थी तो एक बार फिर एफ्रो एशिया सीरीज़ के हवाले से बातचीत हो रही है और इम्कान यही है कि इस बार मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे सबसे बड़ी रुकावट थी भारत अगर उनकी जानब से भी गो गोहेट दे दिया गया है तो फिर शायद इस सीरीज़ का निकाद हो जाएगा और ये क्रिकेट के लिए खासतौर पर पाकिस्तान और भारत की शन जो दिली तौर पर सियासी नफरतों को हटाकर क्रिकेट देखना चाहते हैं दोनों ममालिक दरमियान उनके लिए ही बहुत अच्छी बात है और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो कि इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में अपना आखिरी मैच खेल रहे थे पाक, इसके बाद वो पाकिस्तान आ जाएंगे फिर पाकिस्तान से वो दौरा श्रीलंका के लिए रवाना होंगे तो उनके लिए गुजशत रोज़ शानदार बैटिंग की छिहत्तर रन की नाकबलेक्स इनिंग्स के लिए और इसी मैच की पहली इनिंग्स में वो एक सौ तीस रन बनाने में कामयाब रहे थे जिसके बाद उनकी सिकसिक्स टेंटी जो है एक बड़ी फतह हासिल करने में कामयाब रही अगर इस मैच में देखा जाए तो तीन सौ बयालीस रन का बड़ा टारगेट था सक्सेस टेंटी को मिला था लेकिन उसने छः विकटों के नुकसान पर पूरा कर लिया जिसमें सबसे बड़ा किरदार था वो रिजवान का था जिसने सिर्फ बयासी गेंदें खेली नौ चौके और एक छक्के समेत छिहत्तर रन बनाए नाइन्टी टू से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से और इसी मैच में डरबी शहर की के लिए ओपनिंग कर रहे थे पाकिस्तान के बल्लेबाज शान मसूद जो कि पहली इनिंग्स में छियालीस और दूसरी इनिंग्स में सैंतीस रन बनाकर आउट हुए बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके उनकी टीम को शिकस का सामना करना पड़ा हालांकि उनकी टीम पहली इनिंग्स में पाँच सौ इक्यावन और बड़ा टा जो जोटल है वो स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब रही थी लेकिन बहाल रिजवान की शानदार बैटिंग की वजह से उनकी काउंटी सशक्त काउंटी को फताह मिली और इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के दरमियान कल यानि यकम जुलाई से जो सीरीज़ का रीशेड्यूल पाँचवा टेस्ट मैच है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है लेकिन इस मैच से पहले भारत को बहुत बड़ा धचका लगा है जिनके रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा अभी तक उनका जो दूसरा टेस्ट हुआ है कोरोना का वो भी पॉजिटिव आ गया है जिसकी वजह से वो लगभग आउट हो चुके हैं लेकिन बहरहाल एक आखिरी कोशिश की जा रही है भारत के जो हेड कोच हैं राहुल ड्रावेट उनकी जानब से कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे उनके मजीद दो टेस्ट होना बाकी हैं अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया तो वो कल का जो टेस्ट मैच है वो खेल सकेंगे अभी तक वो आइसोलेशन में है वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे जिसके दौरान उनका जो कोरोना टेस्ट है जो टेस्ट लिया गया था वो पॉजिटिव आ गया था जिसके बाद वो मैच छोड़ गए पहली इनिंग्स में बैटिंग की थी लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्हें बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला तो बहरहाल भारत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा क्योंकि ये ऐसा टेस्ट मैच है जो कि आई टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है इससे पहले भी भारतीय टीम इस सीरीज में दो एक के मार्जिन से जो कि चार मैच हो चुके हैं दो एक के मार्जिन से बर्तरी हासिल कर चुकी है और अगर जो आखिरी टेस्ट मैच है वो ड्रा भी करा ले तब भी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी इसलिए ये मैच जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है दूसरी जानब ये इतला भी सामने आई है कि अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते कल के मैच के लिए तो उनकी क्यादत कौन करेगा तो इसके हवाले से जो नाम सामने आया है वो जसप्रीत बुमराह का है जो फास्ट रहे कि फ़ास्ट बॉलर हैं हालांकि कप्तानी के हाले से उनका कोई ज़्यादा तजर्बा नहीं है लेकिन भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जसप्रीत बुमराह को उनकी जगह कप्तानी दी जाएगी ताकि वो इस मैच में अपनी टीम को लीड कर सकें और जसप्रीत बुमराह ने भी गुजशत रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि अगर मुझे कप्तानी का रोल मिला तो मैं इसे पीछे नहीं हटूँगा बल्कि पूरी कोशिश करूँगा कि अपना यह किरदार बूबी निभाऊँ और भारत की लीड करूँ भारत को लीड करूँ और भारत के लिए अच्छी कारकरी दिखाऊँ ये जसप्रीत बुमराह का कहना था तो उसका वाज मतलब यही है कि फिर शायद जसप्रीत बुमराह ही को बनाया जाएगा कप्तान अगर रोहित शर्मा के, के जो बाकी जो दो टेस्ट रह गए हैं अगर वो नेगेटिव नहीं आ, नहीं आते तो फिर रोहित शर्मा आउट हो जाएंगे और जसप्रीत बुमराह शायद भारतीय टीम की क्यादत करते हुए दिखाई देंगे और वैसे कल से नया महीना शुरू हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि जब नया महीना शुरू होता है तो उस महीने में जितने भी मैचेस खेले जाने हैं बड़ी टीमों के दरमियान उन तमाम सीरीज़ का शेड्यूल आपके लिए पेश करते हैं और कोशिश होगी कि आज या कल सुबह तक ऐसी जो वीडियो है शेड्यूल की वीडियो है जुलाई 2022 की वो आपके लिए पेश की जाए अब तक के लिए इतना ही आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह नगेबान